सुन रहे थे आप लोग लिंच के माध्यम से हनुमान कर अर्जुन का घमंड बहुत बहुत लाभ के आशीर्वाद बिहार में जो तैयारी है भगवान करा और आगे बढ़ा वो तैयारी करा चला बाबू स्वर देखेगा आप लोग के सामने पुरुषोत्तमा शांति बना के विराह का आनंद लेंगे संकेत किया है जो पानीदार मर्द हो जिनके बल पर मुझे आज ललकारे हो जिंदा रहने में देंगे जला देंगे हम क्यों कलाकार के संकेत ना ये वीरों का परिभाषा है जवानों का परिभाषा है ए भैया वीरों के लिए लाइन कवि ने संकेत किया है कव्वाली का अंदाज लगे लाल नातिया के साथ प्याम लाए हो या सबा मदीने से अरे मैं लगाए आसरा बैठा हूँ मदीने से ये कैसा मुसलमान है कैसा इनका ईमान है ये कैसा मुसलमान है कैसा इनका ईमान है जो तोड़ कर जा बैठे हर सिलसिला मदीने में अरे उठो मुसलमान नवाजी पढ़ लो अरे उठो मुसलमान नवाजी पढ़ लो अभी मेरा सर कपा नहीं अरे उठो ऐसा कोई दिया नहीं क्रांति का
नहीं था। मेहनत करवाओ थोड़ा तो मेहनत का आनंद मिला। ओ सीना बेकार है जिसमें, अरे क्रांति का उन्माद नहीं है। ओ सीना बेकार है जिसमें, अरे क्रांति का उन्माद नहीं है। अरे लड़ने से जो डर जाए, अरे लड़ने से जो डर जाए, कहली नहीं कि बाबू साहब जो कौन ना हो, लड़ने से जो डर जाए वो मर्द की औलाद नहीं है। लिखा हमारे खेसूल हो गवैयन के खरौटी पर ले ला। हाँ ले ला, नहीं तो तोरे दम हो तो तू ला। धूल से कौन खरौटी हो, विरहा में आवन है। ए भैया लड़ने से जो डर जाए वो मर्द की औलाद नहीं है। कहानी हमारे कहाँ गबा शुरुआत हो इन कहानी कर। एक रसी नाम का पट्टा, एक रसी नाम का पट्टा, रग रग में भरी जवानी, दरबार से मिलता खर्चा करने को पहलवानी। नाम का पहलवान था, उसके दिल के अंदर उद्गार जागल, आएगी ईद जब मेरी कुश्ती होगी, फरमाया जब ईद का त्योहार आएगा कोई भी साल में दंगल रखूंगा, पूरे देश देश के पहलवानों को निमंत्रण दूंगा, जो हमारे पहलवान रशीद को पकड़ देगा उसको मुंह मंगा इनाम देकर के अपने राज दरबार से उसे विदा करूंगा। कुश्ती का दिन रखकर भैया देश देश के पहलवान जुटे, यहाँ तक की भीड़ लाल 50,000 लोगों की भीड़ है। सारे पहलवानों से बाहर रशीद पहलवान को घुमाया जा रहा है, अलाउंस में अलाउंस कर रहा है। हाँ कोई माई का लाल है, कोई माई का लाल तो हमारे रशीद पहलवान से आकर लड़ सकता है। यज्ञा न गोटा तो जरूर भैया सुभाष भैया लेके लोग गए, लेकिन पहलवान का रूप रेखा देख के केतली के खंभा जैसा रहन। सीना का जराज
ओकर रूप दे रेखा देख के लोन के गड़िया दुलके के वही तो गलीमा था कपड़ा पहले पही हाल जब उन्हें समय कपड़ा निकाली तो का करी धीरे धीरे चोराय के लोग रख लो गे भैया कुश्ती न हुई चली चल जाइए घरे के अपन जाई जान मत हो वे लगा चोप ले वे गौर करेंगे चीर करके मजमा सुखदेव चीर कर मजमा चढ़ गए अखाड़े ऊपर फट गए कहा तब अखबार तुमसे सबल पड़ेगा अरे नगर तारा राम आ जाए तो मेरा सिर लेगा बेटा खबरदार भीड़ को चीरते एक सुखदेव नाम का पहलवान अखाड़े पर पहुंचता है बादशाह अकबर से ऐलान करता है कि मैं लड़ूंगा आपके रसिक पहलवान से मैं लड़ूंगा मुझसे लड़ाइए बादशाह अकबर कहा कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है मैं जानता हूं किसका तूने शिष्य हो मैं छी तब से मैं जानता हूं कि तुम्हारे गुरु दयाराम हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा तुम्हारी जिंदगी चौपट कर लेगा अगर दयाराम आ जाए तो मेरा सिर लड़ेगा तुम्हारे गुरु से मेरा बेटा लड़ेगा ये नहीं कि तुमसे लड़ेगा हाथ जोड़ के सुखदेव पहलवान रोवे लगलन आंख में आंसू झरझर झरझर भर गल कलंक रे सरकार आप राजा हम प्रजा राजा के असूल व्यवहार ना होला के प्रजा के ढंग का लान करे प्रजा के लान करे लेकिन ओकरे गुरु का अनादर ना ठीक हो हमरा तब ठीक हो लेकिन के गुरु का अनादर करबा सरकार ना ठीक हो सुखदेव पहलवान आंख में आंसू लेके एक बात कहलन एक बात हमारे सुल्ला का कैसे कहन बादशाह अकबर से सुखदेव कहलन का कह लगी देते वह गीत सुनाल भैया कोनो देवर मंचला था इधर हमरे रंग के और कोनो भौजाई के खोद के मजाक कर के भौजी तई ताका ताक के मजाक के रस का हलस कला डुर कला राजा चहल पनिया उतर जाइए राजा
आजीवन मैं आपका गुलामी करूंगा, मुझसे लड़ा दीजिए अपने पहलवान ऋषि से। ओकरे बाद तुम्हारे गुरु का अपमान करा। इतना बात सुखदेव पहलवान के बादशाह अकबर के चैनल कर लगल, स्वीकार कर लिए। तुम्हारे गुरु की बात कह करके मैं क्षमा मांगता हूं, तुमसे ही हमारा रसिक पहलवान से तुझे लड़ना होगा। हमारा रसिक पहलवान ही लड़ेगा। ए भैया, दोनों तरफ से कुश्ती स्वीकार हो गई, कुश्ती जब बढ़ गई, जब यहाँ नगोडा चढ़ा के 50,000 भीड़ पार के गई, सुखदेव पहलवान किनारे बैठ के रोवत हो। बजरंग बली के मनाओत हूँ, कहे ईश्वर पानी कैसे रही आज। जब यह नगोटा पहन के जब छलन सुखदेव पहलवान दयाराम का आशीर्वाद लोग दे, तो दयाराम आंख में आंसू देखा, खुशी का भी एक आंसू होला, एक दुख का आंसू होला, खुशी का आंसू छलकल। दयाराम अपने चेला के विदा करत हूँ, कैसे विदा करे लाल गीत लगाई आशीर्वाद लेके अखाड़े के ऊपर चलन, तब नतीजा का निकलल भाव है। ललकारे अकबर और रसीद को जाई, ललकारे अकबर और रसीद को जाई, हंस के सूखा दे ले हलाया हथवा मिलाई, हंस के सूखा दे ले हलाया हथवा मिलाई। पहलवानों का दोनों का मिल अब मिलत मंत्र भायल का सुभाष भैया, हम तो लड़ले ना हिला, आप लोग जो भाई लड़ले बिड़ले हुए ओकर अंदाज लगाई बाहर का। अकबर के हिलल टगरिया हो रखिया सब हवाई में पगरिया, गुरु का आशीर्वाद लेके जब अखाड़े पर चलन हो बाबू, तो जनाल के साथ छात हनुमान जी खड़ा हुआ, गुरु का आशीर्वाद लगल, 2 मिनट भाग भाग के कैसो जान बचौलन रसिक पहलवान, जा करके बादशाह अकबर का तय खबर। समय दिया जाए, आधी घंटा बाद कुश्ती होगी या 20 मिनट बाद कुश्ती होगी। 20 मिनट समय लेने के बाद गौर करेंगे, 20 मिनट समय लेने के बाद तमाम तारना रशीद पहलवान को देता है बादशाह अकबर, किपड़ी रियासत तुम्हारे दांव पर लगी है बेटा, अगर 20 दिन कुश्ती तुम खा जाओगे। राज दरबार की
मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। तुझे रशीद पहलवान कसम है, हमारे राज दरबार का कसम है, पहलवान को सुखदेव पहलवान को 2 मिनट से ज्यादा तुझे नहीं रुकना होगा, नहीं देना होगा। दोबारा जब हाथ मिलल तो ओस में कवि जी भाव लिखलन, हम बताओ दिया मतीन एक यादव जी रहे ससुरारी गए, ससुरारी गए सवाल भैया यादव जी, जब ससुरार गिर लगलन यादव जब ससुरारी गए तमार सरोह जुट गई सरवाई जुट गई कल की अरे जी जाए न हो जनता वरना खड़ा मेहरा उनका जीजा अकेला बैठा बैठा जीजा बैठा घेर के चारों ओर से बैठ गई कल की अरे जीजा जनता वो ससुरारी में गई के बाद ललन यादव का भाव बिछड़ गया सठवाई में काटे थे धीरे धीरे हलचल पूछ लेंगे जीजा का हलचल हो कहीं करे कुल ठीक हो कोई दिक्कत ना हो कलं के रे जो उन भैंसिया लगत रहो विशु कहिल की लगत है कलं के रे भैंसिया सकाले वे देवे के तोसे हो ना करो थे खाली हम तो ऐलन हई हम तो ऐलन हई कलं के छजी या कुल बात छोड़ दा कह भाई लगन कह भाई वाला कना रे भाई के ऊपर पर भाई के छोड़ दा हमसे बात करा हम तो पहले नहीं कली के छे जीजा कुल छोड़ दा तोहर पहले वाला नौवा वो चभोकना हो कि या नौवा बदलल हो कहना कि हमार नाव तो मजाक में लोग कह गावला हम अपन नाम बताओ थी सुना लो जोन आधार कार्ड पर होके सुना जोन आधार कार्ड पर हो वो हमार नाम सुना सरवाई जुटल हिं सराह जुटल हिं कलं के देखा पहले पूरा ल अब देखा सरवाई छटक हटा जीजा बचपन का आदत छोड़ दे लेकिन बचपन का वही तोरे अंदर गुण कल की भैया अरे भैया अपन हम नाम बताओ थे पहले पूरा सरवाई छटके लगली कहने की जीजा काम ठीक ना हो कहना अरे पूरा नाम बता नौवा तो सुना पहले पूरा ल ओकरे बाद आधा ल पूरा ल तो फिर आधा ल फिर ल न मन हमार नाम लल्लन हो जल्ला हमार नाम हमार नाम लल्लन ए भैया विराह के अंदर भाव कवि जी लिख रहे हैं विराह शैली के अंदर भाव है पर्दा रखिला भूमंडल में भूचाल आ गया भूमंडल में भूचाल आ गया चौलीसवे फिर दोबारा रशीद पहलवान सुखदेव से हाथ मिलल ओस में खाके बीरस का गीत लग गई लाल रामा रामा अरे हो मरे रामा पारी पारी अरे हो मरे रामा पारी वो मरा कमरा लचा कनिया पारी वो मरा कमरा लचा कनिया बलिया निहुरा के खींचे बलिया बीच
अखा है दोनों पहलवनवा हो जवनवा जो सजागल बदनवाना। गवैयन से आजकल मुलाकात होते तो कहते हो जितना चुलबुलवा के सुवरा तोड़ ले उतना गवैयन के तोड़ शुरू कर लिया समय। बार माई सुख देव का जंगल लगावा ले खरौती हा का कहली हम सुखदेव काला जंगल लगावल चरखी काटा रसीद घूम गई चरखी काटा रसीद घूम गई सुखदेव दुबारा सुखदेव दुबारा मामूल पानी उन्हें चिटक जवानवा जोश जागल बदनवाना मार के मुल्तानी ए सुखदेव पहलवान चौचक रसीद पहलवान के पटक के सीना पर बैठ गई कहन के का हो आराम हो ना आके बादशाह अकबर पहलवान को बधाई देता है धन्य बेटा सुखदेव पहलवान दाले तुम्हारी बहादुरी को मैं बधाई देता हूँ। उस समय उस जमाने में या मजबूरी थी या कुछ कारण था $500 उस जमाने में दिया और एक राजशाही साफा दे करके सुखदेव पहलवान को विदा करता है। गाजा बाजा के साथ जुलूस में सुखदेव पहलवान घर की ओर चलन घर के ओर चलन बड़ी खुशी हो खुशी का कोनो ठिकाना ना हुई खुशी लेके जब घर की ओर चलन तो ऐसे बरियार कहीं खुशी घरवा हो वीरेंद्र भैया उनके औरत का नाम शांति बतावल गल शांति के वही दिन बड़ा होनहार लड़िका के पैदा भल। आज के जमाने में अगर जकरे लड़िका हो था ओकरे रुआब से ओकरे चेहरा से अब भले ही से लाला जी पहलवान न रहे का से अगर लड़की हो गई जगह पर उनसे पूछाई कि का भैया वीरेंद्र भैया कैसे हुआ ठीक हुआ हाँ भैया ठीक है ना भैया ठीक है भैया कौन की करना है अरे भैया कुछ भयल है हाँ भैया लड़की है लड़का ना हो ना लड़की भगवान दे ले वो कौन की करना है अब बताओ मरिगल हो खुदा कहीं में मरिगल हूँ अगर उनके कही कि भैया का हो भैया लड़का अगर हो जाए अरे हम बोलते का पूछे के हम दुकान फिरी है जब खाए पे तो खा लो का हो भले ही सुनी कमर हिल कृपायन बटी जाए सुबह भैया भैया लड़का बड़ा होनहार पैदा भल गांव के लोग टुटरों का नजा के पंडित जी के बुला लेवा और लड़का का राशि का नाम का रखाई कलंक के मर्दवा पंडित जी के जाथुआ खोजे एकर बाप खुदे नाव लेके चली लन आज के दिन विजय के ख्याल हुआ आज बेटवा का नाम विजय रखाई लड़का का नाम विजय रख गल लड़का का नाम विजय रख गल बाबू धीरे धीरे हंसी खुशी भल तमाम स्वागत भर सुखदेव पहलवान के गाजा बाजा बजल बजले के बाद ठीक कुछ दूर के गांव के बगल में छवनी रल वही जो 10-20 गाय रख के सुखदेव पहलवान गयन के चरावे और दूध पी के अपर रियाज मारे धीरे 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 धीरे
2829 दिन जब बीता 2829 दिन, भैया भैया वीरेंद्र बबलू भैया ठीक 2829 दिन के बाद नतीजा का निकल बिरहा का दूसरे रूप पकड़ से आप लोग शांति गृह प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी, प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी, अकबर मन में ठान लिया अरे तो मेरी बन गई मुहर्रम सभा भी जब मान किया मिठुर अभिमानी मन ही मन, मिठुर अभिमानी मन ही मन योजना ये बनाया हो अरे सुखदेव पहलवान के पापी घर में आग लगवाया है ठीक 2829 दिन के बाद सुखदेव पहलवान के घर में भेज करके अपने साथियों को आग लगवा दिया। सुखदेव पहलवान का तो घर जले लगल हो बाबू, लेकिन धीरे धीरे पूरे गाँव में आग फैल गई, पूरा गांव जले लगल। दो चार लोग दौड़ के गए सुखदेव पहलवान से कलंक के भैया तोरे घरवा में आग लग गई हो, पूरा घरवा जले लगल। सुखदेव पहलवान लाठी लेलन, जब लाठी लेके अपने घर के पास जब अइलन तो देखलन कि घर में जर के राख हो गल, घर में जब जर के राख हो गल पानीदार मर्दन के पहचान हम एजन से आप लोगों की बताई। दिमाग का संतुलन घबरा कर सोच के लगे इकलौता हमारा बेटा इस आग में जल करके मर गया, हमारी पत्नी भी जल गई, हमारी माँ भी जल गई, हमारे पिताजी भी जल गए, तो इस दुनिया में रह करके मैं क्या करूंगा, ये गांव में रह करके क्या करूंगा। दिमाग का संतुलन घबरा लाठी ले दूसरे तरफ चल रहा हूँ और शांति का कहले बा आग लगल तो जरूर, लेकिन वही राजशाही साफा में लुपेट करके अपने विजय बेटा को लेकर के फरार हो जाती है। सुखदेव दक्षिण आईपुर उत्तर दोनों दने दू दिशा में चलन और नतीजा का निकल धीरे 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 दू रात दू दिन औरत चलत रह गई। शाम वक्त के बेला में 6-7 बजे था, एक घनघोर जंगल में 7 की पहर सोच रही किसी जंगल में रह करके अपने जीवन बिताऊंगा, सुबह की बेला में जहां ईश्वर लिखा होगा वहां मैं जाऊंगी घर करेंगे। लेकिन उस देश का उस राज का वो राजा एक घोड़े पर सवारी करके चलता है अपने राज दरबार का भ्रमण करने के लिए। दूध मुहे एक बच्चे की आवाज आती है उस जंगल से, वीरेंद्र बाबू जब आवाज आई तो एक राजा सोच रहा है कि दूध मुहा बच्चे की आवाज आती उस जंगल से, आखिर कारण क्या है। घोड़ा का लगाम धीमा किया, ढीला करने के बाद धीरे धीरे घोड़ा लेकर के उस बच्चे उस औरत के पास पहुंचता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है वो राजा, मजबूर होकर के बहन की आवाज लगाया कि अरे बहन रात वक्त में अगर इस जंगल में रहोगी तो शेर बाघ फार करके तुझे भी खा जाएंगे, तुम्हारे बेटे को भी खा जाएंगे। पगली बहिया सोच गई कि वही संसार में क्यों भाई हमारा हो, ये दुनिया में कोई भाई है। तुरंत अपना आंचल फार करके उस राजा के हाथ में कलाई का रिश्ता कायम करती है। जब नंदा तो राजा पूछने लगे कि बहन इतनी रात में, भैया सीटी न दे बाबू, रात वक्त में इस जंगल में बहन किस कारण से आई हो, तो बहनिया बतावे लगे लाल विदेशिया कलाई हो। लकी बदारिया में अरे हिरत की पहरिया में अचारवारी छवाल से अनहारा मोरे बाबूजी लोग परिवारी साबू भैया सपना हो गई ले हो अरे ये शांति भैले घर से अफरारा मोरे बाबूजी घनघोर जंगलावा में अपहुंची माया नावा हो मिले ठाकुर दिला अतारा मोरे बाबू बतिया पूछा ना लागे आइलवा जन बहिलिया हो कहा
नंदा ठाकुर, उस ठाकुर का नाम, उस राजा का नाम नंदा बताया गया। नंदा ठाकुर पूछने लगे कि बहन किस कारण से रात की बेला में इस जंगल में हो, बहनिया बतावेले का बतौले हलाल यहाँ गीत लगी। बहनिया रो के बताओ ले नंदा ठाकुर से हकीकत का, हकीकत बतावे ले। बगिया उजाड़ देहना बिधना, लिखल का बा हमारा लीलार हो कि बगिया उजाड़ देहना बिधना। एक बात और बहनिया बताओ ले, मिलके दुश्मन भारी, अरे कैला दुश्मनिया किधर देते हैं अपने राज दरबार से। मंत्रियों को बुला करके आज बहन को तसल्ली देते हैं कि बहन चिंता करने की बात नहीं है, मैं एक नंदा ठाकुर इस देश का राजा हूँ, इस नगर का मैं राजा हूँ। हमारे दरबार में दूध का दूध पानी का पानी हुआ करता है पगली। हमारे राज दरबार में आज तुझे बहन का रिश्ता काम करके आजीवन तुझे ऐश की जिंदगी जीना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिया के नंदा ठाकुर धर्म को बहिन मान के अब बही के रखे लग रहे। धीरे 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 भैया जब दो चार पांच साल बीतल हो, राज दरबार में कोनो चीज का कमी ना हो, बहिन खुशी खुशी बितावत है। एक बार जब उकरे पति का याद आया तो वही राज दरबार में आंख में आंसू झलकल जाक नंदा ठाकुर पूछल कि बहन कोई मंत्री तुझे कुछ कहा या कोई हमारे राज दरबार का तुझे कुछ कहा? मैं तुम्हारे आंख आंसू सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आंख आंसू मैं कदाप नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हारे आंख में आंसू क्यों, क्या रोने का कारण है? बहनिया बताओ कि भैया मत पूछा, सब कुछ पूछत हुआ पूछ ला, लेकिन आंख के आंसू अयले का कारण मत पूछा। कहना की बहन यह तो खटकत हो, एक अगर ना बतेबू तो चैन ना बा शांति ना बा। भैया कल की अगर पूछे तो बताओ तो भैया
दिल में हमारे उद्गार जागल कि ये हमारे जो बेटा है आपका भांजा है एकर बाप बहुत नामी पहलवान रहलन। ये हमारे दिल के अंदर याद आयल कि आज ओकर बाप रहतन तो शायद अपनी मती ने अपने लड़का के पहलवान अपने मतीन पहलवान बनौतन। इतनी बतिया और राजा के खल गई कहन की बहन चिंता करने की बात नहीं है, आज से तुम्हारा बेटा पहलवानी करेगा, पढ़ाई भी करेगा पहलवानी करेगा। अखाड़े पर धीरे धीरे भेजे लगन, धीरे धीरे भेजे तो बाबू जब 18-19 साल का दिन पार भेल हो, जब पार भया तो वो लड़का इतना बढ़िया लड़े में तेज भेल, इतना बढ़िया लड़े लगल कि पूरा जिला खाली कर देल। जिला खाली कैले के बाद नंदा ठाकुर आकर के बहन से पूछते हैं कि बहन अब तो तसल्ली भइल, कन भैया थोड़ा सा कमी हो, कन के रे वही कमी हो, कन के हाँ थोड़ा सा कमी हो, एक जिला स्तर का दंगल रख के अगर विजय पहलवान दो चार पहलवान के या खड़ब में पटक दे दौड़ाई के तब हमारे तसल्ली हो जाये। इतना बात सुनने के बाद नंदा ठाकुर बाबू बड़े देश में पाती पठवावे लगलन। रविवार के दिन दंगल का विशाल दंगल के योजना करियन रखले के बाद रविवार के दिन पूरे देश में पाती पठावल गई, पूरे देश देश के पहलवान जुटे लगलन। उमरल भीड़ जब जा था तो वही भीड़ के साथ एक और व्यक्ति के जा था, यहाँ गीत लग गई। भैया ये गीत के कब गावली माता बहने ने छुआ नेहावन पा वीरेंद्र भैया ये गीत के गावली करिया बाबू करिया। हाँ जब दुल्हा जुआठी पर बैठावल जाला, हाँ जब दुल्हा जुआठी पर बैठावल जाला ओ समय गीत के गावली ने छुआ नेहावन पा कैसे गावे लाल। हमारा बाबा कैसे बढ़ी बात उमर से हमारा पतरी समय दो चार गो लड़का बड़ा रंगरू डल बाबा के ढकेल डलन कल भगा यहाँ से। हमन कहाँ जाते कौने काम से जाते हमन के कौन ललसा लगले हो और तू पागल हुआ जाके गांव में भिक्षा मांग के तोके अपने अड्डा पर जाए चाहिए तो माथा खा थोड़ा। बाबा कलंक बेटा नाराज मत हुआ सही से बता दा कैसन भैया लागल ये भैया के बात हम पूछत है ज्यादा ना कैसन भीड़ लागल बाबा फाला मावे कैसन मिहिर लागल बाबा फरमावे ल सरंगी बजावे ल हो। कलंक बेटा ये भैया के विषय में पूछते कि आखिर ऐसन भीड़ कहाँ जाता हो। कहले कि बाबा अगर पूछत हुआ इतना लोलीन हुआ पूछबे तो हम बतावत है एक नंदा ठाकुर के दरबार में एक भंजा रहता है इतना बढ़िया कुश्ती लड़त बा कि अमन जगिया नगोटा तो ले अगर हिम्मत पड़ी तो लड़ी नहीं तो लेके अमन चुप चाप चलिए अवल जी। कहले कि इतना बढ़िया लड़त है बेटा कहले कि ओकर कोनो जोर ना हो। जब यहाँ से बाबा भीड़ में सगही चल रहा जब वहां गईला 20,000 लोगों की भीड़ है जब वहां गई लन तब पान जोर विजय पहलवान कुश्ती पटकले के बाद फिर घुमावल जाता अखाड़े पर। हाँ कोई माई कला
ये नंदा ठाकुर एक राजा का लान है, मुहमाना इनाम दिया जाएगा। पांच जोर पटकले के बाद भी वो विजय पहलवान के घुमावे जात हो। जब बाबा पहुंचलन देखलन तो कहन के रे यार लड़का तो नीक लड़त हो लेकिन ऐसे कौन लड़ता है ना हुआ। बाबा कहन के हम ही लड़ जाएगा, हम ही लड़ जाई। लड़का मने कर थो बाबा बुढ़ोते में अपन करिया मत बाबा करिया मत रोवा फजरी मत रोवा। ए बाबा काजू बादाम पर सुतल शरीर यार दिन भर भिक्षा मंगले के बाद सांझ के बहुरी चोखा खेबा अनाथ हो जाई मत लड़ा। लेकिन बाबा का इतना चुनौती अखाड़े के बीच में लोग देवे लगलन रेफरी से साथ। अरे नंदा ठाकुर जब इतना चुनौती देवे लगलन तब बाबा के बर्दाश्त ना भल। जब ना बर्दाश्त भल तो भल कराल कौनो दुलहिन का गौना आयल अपने मरद के लगवा न जाए दे। वीरेंद्र भैया अपने मरद के लगवा न जाए दे। हटा 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 एक के हमार सवाल हो हमरे सवाल का उत्तर देला। हालत ही रहल का सवाल कैले हो दुल्हनिया कहते कि हमार पैजेब राजा हीरा जला दा कहे तना ना बना के दुल्हनिया जहजिया उड़ाई ला हमार पजेब राजा हीरा। पहली रात के बात हम तोहफा चाही चाहे कमा दो गलू चाहे जिन कमा। महाकवि जी लिखलन बाबा इतना बार सुनले के बाद बाबा के रह ना गए। बाबा खलन का नेता जी अरे उबल परी हो अरे उबल परी हो नस नस ले जवानी समय जवानी कौन करेंगे। बाबा कब होती का शरीर हो लेकिन उस समय जवानी उनके शरीर के अंदर आ गई। बाबा इतने में कैलन का तोहरे उम्र का बाबा रहन भैया उबल परी हो अरे उबल परी हो नस नस जवानी चैलेंज कैले हुन। अब बाबा खैलन का कोनो लड़का से मांगत हो कि जंगिया न गोटा दे दे बेटा तनी सम लड़का के देख लेंगे कि काबिल हो या ना काबिल हो। खैलन के बाबा काहे के परेशान हुआ मत जा। बाबा मल्लन ना खैलन का सकल गुदरी आया खड़ा परिचारी
कुश्ती जब स्वीकार हो गई तो इतने में बाबा के चमत्कार दिखौलन का चमत्कार दिखौलन। मरले निकास चित भइले गुमानी उबल पड़ी हो नस नस में जवानी। मार के निकास बाबा एक सेकंड ना बीतले लड़का के ऊपर पटक के बाबा बैठ गई। गड़गड़ाहट के ताली बजे लगल के हे देखा बुढ़वा का है, हे देखा बुढ़वा का है। नंदा ठाकुर जाके हाथ जोड़ के बाबा के चरणों में गिलन बाबा से सवाल के लिए कि बाबा ये लड़का ठीक हो। कलंक ठीक हो लेकिन थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा कमी हो। कलंक बाबा ये कमी कैसे दूर हुई? कलंक को लड़वैया से भेंट हो जाए, 10 दिन लड़ा दी है तो कमी दूर हो जाए। कलंक लड़वैया कहाँ खोज जाये? आई आपसे बढ़िया लड़वैया कहाँ पाई हम? हमारे पास छौनी बाबा, छौनी के करीब रह गए। ए लड़का का जो कमी हो, हमारे भाईने का जो कमी हो, एक निकाल दा। छौनी पर रह के बाबा वो लड़का के लड़ावे लगल, वो कमी के दूर करे लगल। धीरे धीरे 4-6 महीना बीतल, विजय के ही नहीं 10-20 पहलवानन के लड़ावे लगलन। धीरे धीरे लड़ावत लड़ावत बाबा का वो दिन आयल, परसों गुरु पूर्णिमा हो। गुरु पूर्णिमा के दिन तमाम शिष्य, कोनो भी शिष्य हो, कोनो विभाग का हो, अपने गुरु के पूजन करलन। कलंक या नंदा ठाकुर कान खोल करके सुन लो, परसों गुरु पूर्णिमा है, कल के डेट में बाबा आपके दरबार से 10-11 बजे के बाद करीब निकल जाएगा, ये वादा है। कलंक बाबा हंसी खुशी से आपकी विदाई हुई, टेंशन मतला। जो 10-20 पहलवान के लड़ावे तल उनके संदेह तल की कल 10 बजे बाबा की विदाई हुई। गौर करी हम, अब वो लड़का 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, तमाम कपड़ा लत्ता रुपया पैसा सब कुछ लेके चलन। लेकिन जो नंदा ठाकुर के दरबार में जो भांजा था, अपने माँ के सामने जा करके नमस्तक होकर के आंख में आंसू लेकर के सवाल करता है, माँ मैं जानता हूँ कि किस हालत में मैं इस राज दरबार में आया, कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे मुझे लेकर के आई हो। लेकिन उस राज दरबार से बिना पूछे, बिना दिए हुए कौन सी चीज ला करके मैं अपने गुरु को दूंगा? मतारी रोने लगी कि बेटा कुछ नहीं हमारे पास है, क्या केवल 5-6 रुपया ले ले बेटा, और एक तुम्हारे पिता का एक हाथी है, रास्ता हिस्सा था, इसी को ले जा करके अपने गुरु को दे करके आशीर्वाद ले लो। 5-6 रुपया लेके अजोनी समय साफा लेके चल लू, तब साफा देख के बाबा के आंख में आंसू रोवत हुन। यार विजय बेटवा इस सोच के रोवत हुन कि बाबा, यह सोच के रोवत हुए कि जेके लड़ाओ बदे 6 महीना रह गई, ओकरे हाथ में एक साफा या 5-6 रुपया। हे भैया बाबा रोवत हुन, विजय बेटा यही रो रहा है सोच करके कि बाबा यही खातिर रोवत हुन कि जेके लड़ाओ खातिर 6 महीना रह गई, ओकरे हाथ में 5-6 रुपया और एक साफा। जब नजदीक भैलन तब हल कलाल पहबर का लाइन हो, विजय बेटा बाबा से रो के सवाल करला, का कहे बलाल? अरे तोहरे ऊपर हमें बतावा रुवले कह आज राज ये जोगी बाबा, बाबा तोरे आंख में आंसू काहे है? यही खातिर रोत हुआ ना कि वीरेंद्र बाबू
जेके लड़ावे खातिर 6 महीना रह गई ओकरे हाथ में एक साफा और 5 रुपया। बाबा रोवे लगल कि नहीं हो लाल एकरे खातिर ना रोवे थे बेटा और रोवे थे काहे बदे हम बतावे थे। बोले जोगी है बेटा, अरे बोले जोगी है बेटा, इशाफा कहां पर पड़ रहा है? अब बुझली अग्निया में तू भी वाडल जरा वाला है। बाबा कहले कि बेटा यही खातिर रोले का कारण पूछत हो तो हम बताओ थे इशाफा के देहलस अरे साफा कहां पर पौला तू? लड़का कलस की बाबा अगर पूछत हुआ तो साफा का राज हम न बताई, ये साफा का राज और क्यों बताई? क्यों बताई लड़का बताओ तो क्या बताई? सफवा का राज हम न बताई, वे सफवा का राज तो हमार मतारी बताई। कितना दिन साफा के रखले रहल, कैसे रखले रहल, साफा कहां पौलस, ए साफा का राज मुझे नहीं मालूम है, मेरी माँ बताएगी। नंदा ठाकुर बैठल हुन, बाबा आदेश के लिए कि साफा का राज मुझे चाहिए। कदाप नहीं बना हो रहा है, ए साफा का राज नंदा ठाकुर मुझे चाहिए कि साफा मिला कैसे आपके राज दरबार में? कहने कि साफा का राज तो हम हो के न मालूम बा, इतना दिन से जितना दिन से लड़का अपने विजय बहने के रख ली, लेकिन साफा का राज हमें भी न मालूम बा। इस साफा का राज कहीं हमारे बहन बताई। बड़ परिवार में पर्दा लग जाता है मित्रों, गौर करेंगे, पर्दा लग गल, पर्दा के हर जोगी बाबा नंदा ठाकुर तमाम दरबार में लो कुर्सी लगी है, तमाम थकच करके दरबार भरा हुआ है। पर्दा के आ से नंदा ठाकुर की धर्म की बहन से पूछा गया कि बहन ने साफा का राज तुझे बताना होगा, साफा का राज तुझे बता दे बहन, और उसके बाद मैं साधु से पूछूंगा कि साफा का राज पूछने का कारण क्या है। बहनिया आंख में आंसू लिखे रो लगे, अरे भैया मत पूछा भैया साफा का राज मत पूछा भैया, तो भले रहेगा, लेकिन ठाकुर जब विवश कह दिलन बहन के आज बहनिया बतावे ले का बतावे ले विवाह में आखिरी चले फिर इलाज हो तो उठक ना हुआ मजा ना हो तो क्या बाबा पैसा ले लोदा भाव कभी अल्हा के अंदर लिखना, रामदेव गुरु के जमाने का अल्हा ही हो, वीर स्विरहा में वो अल्हा का जरूरी होला। कैसे लाल अल्हा के अंदर भाव है, पर्दा लगा पर्दा के अंदर से शांति नाम की बहन सवाल करती है, बताती है साफा का राज का, साफा का राज बताओ ले। झर झर नया नया से बाया सुधा
क्या पूछत हुआ तो कलेजा मोह गया हो न पूछ ले होता तो ठीक हो, अगर पूछत हुआ तो हम बताओ थे कलक सैया हमार रहले नामी पहलवनवा। एक बार लड़ गईले अकबर दरबार, लड़ के जब अलन जब चलन तो मिलल का करके इलन राजशाही साफा लेके इलन वही दिन पैदा भेल यह मोर सुगनवा। बचवा कबीजा नाम रखायल उस बार कौनो निर्मोहिया पापी दगवा कमैले घरवा में देहले बयागिनिया हो लगाए गार करेंगे किसी तरह अपने बेटे को जान लेकर के सरकार आपके राज दरबार में मुझे शरण मिला। इतना बात सुनले के बाद बाबू धरती पैर से फिसलने लगी, तुरंत साधु बाबा पर्दा को उठार दिए, फिर दिए खबरदार सामने आ जाओ। जो चीज पर्दा की थी सामने बाबा आवाज देवलन की पगली सामने आ जाओ। नंदा ठाकुर कलन के बाबा तो ऐसे सानत रहा, मेरी धर्म की उबहन है सारी हकीकत बातों को बताने के बाद, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि साफा का राज या कारण पूछने का कारण का हो एक राज बतावा। साधु बाबा आंख में आंसू लेके रोवत हूं, झरझर झरझर ताकत हो शांति उरी, लेकिन शांति ना पहचानत है लेकिन बाबा पहचानत हूं। का कहन जब नंदा ठाकुर पूछत हूं साफा का राज तब जोगी बाबा बतावे लगलन। आखिरी लाइन में कहना है नारी साथे पवली हम सुघर ललना हम ही बारी तोर सजनवा सुख। अरे पगली पहचान ले भरी भाती मुझे, मैं वही सुख दे हूं रे पगली। मैं तो भटक गया उसी जगह से, दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया, मैं पहुंच गया बाबा गोरखनाथ के चरणों में। भटकते भटकते पहुंचा वहां पर, पहुंचने के बाद जड़ी बूटियों से हमारे दिमाग का संतुलन सही हुआ, लेकिन मैं सोचा कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बाकी नहीं रह गया तो मैं जा करके फिर वापस में क्या करूंगा, मैं तो जोगी बन गया रे पगला, मैं जोगी बन गया। कहना है कभी का बिना भाव किस भाव भजनिया, बिना सावन बरसात अरे बिन गम्मल बरसन के अरे कविता नहीं सुहाए। भगवान का जो मंजूर है भगवान को जो मंजूर था वही किए ईश्वर। कैसे कैसे भगवान इस दोनों जोड़ी को मिलाए शांति को और सुखदेव को। आखिरी लाइन में कहना है खानदान का परिचय। वीरेंद्र भैया बबलू भैया विरामक समाप्त हो चलत हो। कहना है
गुरु बिहारी गुरपत्तू कहे डूब गए।